जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदि शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा, वह होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए से लेके 18 अगस्त 2024 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। साथ ही साथ वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक से महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सकेंगे। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आप सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 से लेके 18 अगस्त 2024 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए या जो सप्ताह होगा, तो सप्ताह के पूर्वार्ध भाग में जो है आपको अति उत्साह होने से बचने की आवश्यकता होगी। अति उत्साह जो है आपको नहीं होना है। इस दौरान जो है आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करने हैं, या फिर अति आत्मविश्वास के कारण आपके जो काम हैं वह बनते बनते बिगड़ सकते हैं। इसलिए अति आत्मविश्वास भी जो है ज्यादा घातक आपके लिए हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को आपको जो है धैर्यपूर्वक और बड़े ही प्रेम के साथ, सलीके के साथ करने का आपको प्रयास करना है। सप्ताह के पूर्वार्ध भाग में जो है आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति आदि को लेकर के विवाद भी हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह जो है धन का लेन देन बड़ी ही सावधानी के साथ करना होगा। यदि आप साझेदारी में जो है किसी के साथ मिलकर के कारोबार व्यापार करते हैं, तो आपको जो है चीजों को क्लियर करते हुए जो है जो भी चीजें हैं उन्हें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए जो है उचित रहेगा। इस सप्ताह जो है 12 से 18 अगस्त का जो यह सप्ताह होगा, तो इस सप्ताह यदि आप बुद्धिमानी के साथ अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हैं, तो आपको कार्यों में जो है उम्मीद से भी अधिक सफलता मिल सकती है। और कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए जो है सप्ताह के मध्य का जो समय होगा वह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह जो है शुभ चिंतकों, जो आपके शुभ चिंतक है, शुभ चिंतकों का भरपूर संयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उनका समर्थन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान भी निकल सकता है। तो जब कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल जाएगा तो आपको जो है सुकून मिलेगा। जो लोग एक ही तरह का कार्य करते हुए उब गए हैं, तो वे जो है नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पे जो है कार्य कर सकते हैं। इस सप्ताह जो है कुंभ राशि के जातकों का जो है विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण बढ़ता हुआ दिख रहा है, और किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता जो है प्रेम संबंध में भी आपकी तब्दील हो सकती है। प्रेम संबंध में जो है मित्रता आपकी बदल सकती है। इस सप्ताह जो है आप अपना अधिक समय जो है अपने लव पार्टनर अथवा जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ बिताने का प्रयास करेंगे। तो अधिक से अधिक समय जो है अपने लव पार्टनर के साथ आप व्यतीत करना चाहेंगे, या फिर जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ जो है अधिक से अधिक समय आप जो है व्यतीत करना चाहेंगे। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग रहेगा, तो उसमें जो कुंभ राशि के जातक हैं, तो उसमें सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से जो है परिवार संग, अपने परिवार के साथ जो है आप पिकनिक में या फिर किसी पर्यटन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य जो है इस सप्ताह 12 से 18 अगस्त जो है सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका जो है इस सप्ताह जो है सामान्य रहने वाला है। अब बात करते हैं उपाय की, कि क्या उपाय करें कुंभ राशि के जातक जिससे आप इस सप्ताह को सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना सकें। तो कुंभ राशि के जातकों को उपाय के तौर पे इस सप्ताह को सुफलदायी बनाने के लिए, आनंददायी बनाने के लिए प्रतिदिन आपको जो है शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के श्रद्धा भक्ति के साथ जो है शंकर भगवान को जल की धार समर्पित करें,
और फिर जो है आपको भगवान शंकर को जो है पेय यानी कि दूध की धार जो है समर्पित करनी है। और जब भी आप जल या दूध भगवान शंकर को अर्पित करें समर्पित करें तो आपको जो है ओम नमः शिवाय या फिर मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद जो है आपको भगवान शंकर के सामने विराजमान होकर के बैठ करके जो है आपको लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को बहुत ही सुफलदायी बना सकेंगे। तो यह उपाय जरूर करें ताकि यह सप्ताह आपके लिए आनंददायी हो। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।